अरे यार थोड़ी देर पबजी खेल लेता हूँ, उसके बाद पढ़ लूंगा। अरे यार एक मूवी देख लेता हूँ, उसके बाद पढ़ूंगा। अरे यार आज तो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, कोहली की बैटिंग देख लेता हूँ, उसके बाद पढ़ूंगा। अरे यार काफी थक गया हूँ, आज तो नहीं पढ़ पाऊंगा, कल पढ़ूंगा। अरे यार अभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा, थोड़ी देर फोन चला लेता हूँ, उसके बाद पढ़ूंगा। कल पढ़ूंगा, आज पढ़ूंगा, इसके बाद पढ़ूंगा, उसके बाद पढ़ूंगा। बस कर यार, किसे बेवकूफ बना रहा है? अपने पिता को, जिसने अपना सब कुछ तुम्हारी पढ़ाई पर लगा दिया इस उम्मीद में कि उनका बेटा एक दिन उनकी गरीबी मिटाएगा। या अपनी उस भोली माँ को जो रोज सोचती है कि मेरा बेटा एक दिन पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनेगा। या अपने आप को, जिससे तुमने इतने सारे वादे किए हैं कि उसे पूरा करने के लिए कुछ नहीं कर रहे। मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि तुम दुनिया को तो बेवकूफ बना सकते हो पर कर्मा को नहीं। वो सब देख रहा है कि तू कितनी मेहनत कर रहा है, और जब तेरा रिजल्ट का समय आएगा ना, तो वो कर्मा तुम्हारे बहाने, तुम्हारी कमजोरी और तुम्हारा आलस सबको जोड़कर ही तुम्हें फल देगा, और उस वक्त तुम अफसोस के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरे दोस्त जागो, अभी भी वक्त है, अभी भी देर नहीं हुई। पढ़ाई में अपने आप को झोंक दो, और पढ़ाई करते समय इतने सीरियस और इतने डिसिप्लिन रहो कि कोई भी चीज तुम्हारा ध्यान ना भटका सके। तुम्हारे क्लास का टॉपर, वो भी एक इंसान है, उसके पास भी एक दिन में 24 घंटे हैं, उसके पास भी एक नॉर्मल दिमाग है। बस फर्क इतना है कि वो इस समय तुमसे ज्यादा मेहनत कर रहा है, और अगर तुम उससे ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दो तो मेरा विश्वास करो कि तुम उसे हरा कर अपने क्लास के टॉपर बन सकते हो। किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए तो उसे पाने के लिए इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि भगवान भी तुम्हें वो चीज देने पर मजबूर हो जाए। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। अगर आज तुम 4 घंटे पढ़ रहे हो तो आज से 8 घंटे पढ़ना शुरू करो। अगर तुम किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज से 10 घंटे पढ़ना शुरू करो, क्योंकि अगर तुम्हें सबसे आगे रहना है तो तुम्हें सबसे ज्यादा मेहनत भी करनी होगी। जब भी पढ़ने का मन ना करे तो अपने माता पिता की फोटो निकालना और अपने से ये सवाल पूछना कि तुम्हारे माता पिता ने जो त्याग और दर्द तुम्हारे लिए सहे हैं, उसके बदले में तुम उन्हें क्या देने वाले हो। जब भी पढ़ने का मन ना करे तो खुद से कहो, अगर आज मैंने आलस किया तो ये आलस मेरी और मेरे माता पिता के सपनों का गला घोट देगा, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। देखना, ये सोचते ही पढ़ने के लिए तड़प उठोगे, तुम्हारे सीने में आग लग जाएगी और 10-10 घंटे तक पढ़ने लगोगे। पर अपने अंदर के इस आग को जलाए रखना, बुझने मत देना, क्योंकि तुम्हारे अंदर की यह आग मुश्किल वक्त में भी तुम्हें मेहनत करने की ताकत देगा। और अगर हिम्मत टूट जाए ना, तो फिर से इस वीडियो को आकर देख लेना, तुम्हारे अंदर की चिंगारी फिर से जल उठेगी। इस वीडियो को देखने के बाद अब कोई और वीडियो मत देखना, एक पेन और एक कॉपी निकालो और उसमें लिखो कि आज तुम कितने घंटे पढ़ने वाले हो और क्या पढ़ने वाले हो, और इस रूटीन को बनाने के बाद सीधा पढ़ने बैठ जाना, और अपने आप से किया हुआ वादा पूरा जरूर करना। क्योंकि जैसे जैसे तुम इस वादे को पूरे करते चले जाओगे, तुम्हारे दिल में खुद के लिए इज्जत बढ़ती चली जाएगी, और अगर एक बार तुम्हें मेहनत करने की लत लग गई ना मेरे दोस्त, तो तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा, तुम खुद भी नहीं। अगले वीडियो में मैं आपको एक दिन में 10 घंटे कैसे पढ़ें इसका सीक्रेट तरीका बताने वाला हूं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर इस वीडियो ने आपके अंदर भी चिंगारी जला दी है ना, तो इसे लाइक जरूर करना, और कमेंट में ये लिखकर जरूर जाना कि आज तुम कितने घंटे पढ़ोगे। जाते जाते बस इतना कहूंगा कि अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो, और तब तक मत रुको जब तक तुम उसे हासिल नहीं कर लेते। दिस इज मिस्टर SKD साइनिंग ऑफ।